नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंधविश्वास से जुड़ी हुई बातें। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी हमारे समाज में लोग रहते हैं उनके मन में एक अंधविश्वास जमीन की तरह है, यानी कि जिस जमीन पर रहते हैं उसी की तरह वह अंधविश्वास को भी अपने जीवन में लागू करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे वह अपने जीवन में उतारू बना चुके हैं। कुछ ऐसी ही बातों के बारे में आज मैं बताऊंगी अपनी वीडियो के दौरान। नंबर एक, जैसे कि एक रुपया। कभी आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म से लेकर शादी तक एक रुपया की बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है जब भी हम शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए जब भी हम धनराशि देते हैं तो उसके साथ हम एक रुपया को जरूर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी राशि दी जाती है, चाहे वो 500 हो या फिर 1000, उसके साथ एक रुपया को शामिल जरूर किया जाता है। ऐसा करना उनके लिए शुभ माना जाता है। समाज में कहा गया है कि विषम संख्या यानी कि 500 या फिर उससे भी जितनी भी संख्या होती है उन संख्याओं को देना हमारे समाज में गलत माना जाता है, इसलिए उसके साथ हम एक रुपया को जोड़ देते हैं। नंबर दो, नींबू मिर्ची। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में नींबू मिर्ची लटकी हुई होती है। वह लटकाते किस लिए हैं? वह इसलिए मानते हैं कि यदि आपके घर में समृद्धि व्यवसाय अच्छा चल रहा है और उस पर किसी की बुरी नजर ना लगे तो उसके लिए 7 संख्या में नींबू और मिर्ची को बांध कर घर के बाहर लटका दिया जाता है, ताकि ऐसा करने से कोई भी बुरी नजर नहीं लगे, क्योंकि 7 नंबर परंपराओं के अनुसार माना जाए तो एक जादुई नंबर माना जाता है। नंबर तीन, काली बिल्ली। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कभी किसी अच्छे काम के लिए या शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और बीच में काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे आप सबसे ज़्यादा अपवित्र मानते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि हमारा काम बिगड़ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। काली बिल्ली है, अचानक आ गई, सडनली आ जाने से ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ लोगों की अच्छी खासी सोच है जिसकी वजह से इंसान अपने ही मन में नकारात्मक प्रभाव लेकर आ जाता है और इसी कारण से वह कार्य कभी भी पूरा नहीं होता। नंबर चार, दुर्भाग्यपूर्ण शनिवार। आपने अक्सर सुना होगा कि शनिवार के दिन आपके घर में भी कोई भी लोहे से बनी हुई वस्तु घर में लेकर या घर से बाहर नहीं जाती है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि यदि आपके घर में लोहे की बनी हुई वस्तु घर में लेकर आते हैं तो इससे आप शनि का प्रकोप साथ में लेकर आ रहे हैं। समस्याएं और बाधाएं बहुत आएंगी और इसे दूर करने के लिए शनि का प्रकोप आप झेल नहीं सकते, तो इसलिए माना जाता है कि शनिवार के दिन आप कोई भी लोहे से बनी हुई वस्तु घर में ना लेकर आए। नंबर पाँच, नजर लगना। यह सबसे बुरी और सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे से बच्चे से लेकर दुल्हन तक के सभी लोगों को नजर लग जाती है। जब भी कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसे घर में आने के बाद ही उसकी पहले नजर उतारी जाती है, ताकि लोगों की नजर पड़ने के बाद उस पर जो बुरी नजर लगी है वह उतार दी जाए और वह कभी भी बीमार ना हो। छोटे बच्चों के लिए भी जैसे ही घर में कोई नन्हा मेहमान आने की किसी को सूचना मिल जाती है तो लोगों को अपनी नजर में एक खटकासा महसूस होता है और इस कारण से लोग उसे नजर लगाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से बचाने के लिए उसकी बुरी नजर उतारी जाती है। तो ये है वह बाधाएं जो हमारे घर में और हमारे समाज में जगह बना चुके हैं। तो इन चीजों को आप ना मान्यता देकर अपने ही धर्म को और अपने ही पुराणों के अनुसार चले। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।